गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, मैं हेम ठकुल्ला सदा जी, आज भी डीएक्सएन कैलिफोर्निया के ऑफिस से मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग का एक विशेष सेशन है जिसमें मैं आज एक डॉक्टर को आमंत्रित किया हूँ ना, और डॉक्टर के साथ साथ आप सभी लोगों का जो विश्व के विभिन्न देशों से जुड़े हुए हमारे साथ, उन सभी को मैं डीएक्सएन यूएसए के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। वन वर्ल्ड वन मार्केट, एक विश्व एक बाजार का जो हम लोग का उदाहरण है उसके हेतु इन सभी को फिर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और आज हमारे साथ एक विशिष्ट डॉक्टर है, उनके उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। डॉक्टर सकीना पूनावाला प्रसूति रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अब विगत 40 सालों से बल्क में लोगों की सेवा करती आई हैं। इसके साथ साथ वो बच्चों की स्तनपान संबंधी भी परामर्श देती आई है। डॉक्टर सकीना महिला स्वास्थ्य प्रति गंभीर और चिंतित हैं, इसीलिए महिला स्वास्थ्य को बेहतर करने हेतु डॉक्टर सकीना ने बीते 25 सालों में महिला स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम विभिन्न समुदाय में विभिन्न देशों में जाकर करती आई है, और हाल ही में वो यूएसए माइग्रेट होकर आई है, और यह भी चिकित्सा क्षेत्र में वो एक विशिष्ट स्थान रखती है। टेक्सास राज्य के डलास में एक स्वास्थ्य समूह की डायरेक्टर के रूप में उनकी मदद कर रही हैं और स्तनपान संबंधी परामर्शदाता के रूप में सेवा देती आई हैं। और डॉक्टर सकीना 2004 से डीएक्सएन में शामिल हुई हैं और लगभग विगत 16 वर्षों में डीएक्सएन प्रोडक्ट का प्रयोग करती आई हैं, और अपने उपचार के क्रम में बहुत सारे मरीजों को डीएक्सएन प्रोडक्ट रिकमेंड करती आई हैं, और डीएक्सएन के उत्पादन से बहुत सारे लाइव टेस्ट हेल्थ टेस्टिमोनी का भी अनुभव रखती हैं। उनके उपचार के क्रम में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो चाहे बहुत क्रिटिकल थे, बहुत मुश्किल मुश्किल हालात में भी वो डीएक्सएन का प्रोडक्ट कंज्यूम करने से बहुत सारे मरीज उनके उनके प्रत्यक्ष निगरानी में वो ठीक होके आए हैं, उनका भी वो प्रत्यक्ष अनुभव रखती हैं। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को आज मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा, वो हैं डॉक्टर सकीना पूनावाला। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, एंड हार्डली वेलकम यू इन दिस लाइव सेशन। ये डीएक्सएन से जो लाइव सेशन हो रहा है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके प्रेजेंटेशन से जाने में जाने से पहले हम लोग एक सॉन्ग से प्रवेश करेंगे, जो सॉन्ग जो है सॉन्ग ऑफ यूनिटी, सॉन्ग ऑफ एनर्जाइज और सॉन्ग ऑफ फैमिली, अ सॉन्ग ऑफ डीएक्सएन फैमिली। डीएक्सएन फैमिली का जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग के माध्यम से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे डॉक्टर साहब। सर, जैसे जैसे कि हम ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग ऑफ यूनिटी का, सॉन्ग ऑफ फैमिली का, सॉन्ग ऑफ एनर्जाइज, आपको एकदम स्फूर्त बना के रखेगा ये सॉन्ग। और आपके प्रेजेंटेशन में जाने से पहले डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
जैसे आप लगभग 4 दशक से जो आप चिकित्सा क्षेत्र में, वो भी प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में जो काम करती आई हैं, और आपका जो जो मोटो है, जो महिलाओं को कैसे स्वस्थ रखा जा सके, इसके बारे में बहुत सारा आपने प्रोग्राम किया हुआ है। आपको एलोपैथिक में तो इतना लंबा अनुभव है आपका, बहुत लंबा अनुभव है, 40 4 दशक कम नहीं होते, बहुत लंबा समय है। तो उसके बाद बावजूद आप डीएक्सएन जैसे ये सप्लीमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कैसे आपका आकर्षण हुआ, ये जो आपने जो आज का आपका जो टॉपिक है, इसमें अपने आप को स्वस्थ रखकर कैसे हम लोग रोग से, व्याधि से कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में जो आप बताने जा रहे हैं, इसमें आपका क्या मोटिवेशन है डीएक्सएन में ऐसे आबद्ध होने से? कृपया डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ साथ मैं और एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया कि मैं आशा करता हूँ आपके परिवार में और अपने आपके चीने जाने लोगों में सब में खुशहाली हो, अच्छे हो, किसी को कोई प्रकार का ये जो अभी पेंडेमिक है उससे कोई त्रासित न हो, यही आशा करूंगा। और मैं इस प्रश्न का भी जवाब चाहूंगा डॉक्टर साहब। थैंक यू हैम। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज फिर एक बार डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म से बात करने का डीएक्सएन कंपनी ने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों की आभारी हूँ। मैं पहले से ही महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना, ये एक मेरा पैशन था। मैंने बहुत सालों दुबई में काम किया एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और हर वक्त मेरा जो भी कॉन्टैक्ट से और जो भी रेपो था वो वुमेन के साथ ही था, महिलाओं के साथ ही था। 2004 में जब पहली दफा मुझे डीएक्सएन के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, तो मुझे पहले तो इतना, बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, इतना ज़्यादा उसके अंदर विश्वास नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपने आप के ऊपर प्रयास करके देखूं कि मुझे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो मैंने खुद डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, और धीरे धीरे मुझे पता चला कि इससे मुझे हर तरीके से फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि मेरे पास महिलाओं के हर तरीके के प्रॉब्लम से वो आती थी, और बहुत दफा ऐसे होता है कि एलोपैथी की मेडिसिन उनको सूट नहीं होती थी, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर। और ये सा और धीरे धीरे मैंने डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट्स इन लोगों में, मेरे पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस किए, और मुझे ऐसे लगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए ये एक चीज है, मैं बिल्कुल ही कर सकती हूँ, लेकिन उन लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। वैसे भी महिलाओं का अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरा एक पैशन था, हर वक्त मैं किया ही करती थी, हर लैंग्वेजेस में, और हर सिटी में या कोई भी जगह पर मैंने ट्रैवल किया तो वहां पर मैं महिलाओं का एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर किया करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं डीएक्सएन के बारे में भी उनको बताया जाए और घर बैठे उनका स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मैंने ये एक आ, 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 क्या कहें, एक मैंने एक मुहिम बीड़ा चलाई। उठाया और मैंने सोचा कि इसको मैंने हर तरह से, हर वुमेन को, हर महिलाओं को बताना बहुत जरूरी है। और मुझे डीएक्सएन का माध्यम मिल गया, जिससे बहुत आसानी हो गई महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने की। मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य और महिला तंदुरुस्त होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक महिला सारे घर को तंदुरुस्त रख सकती है। तो इससे जो महिला तंदुरुस्त है तो वो अपने घर को, अपने बच्चों को और घर में रहने वाले अपने सारे रिश्तेदारों को अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है, उनको तंदुरुस्त रख सकती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं ने अपना खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से देखना जरूरी है। और इसी को लेकर हम आज देखते हैं कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से बरकरार रखता है और हमें बीमारियों से कैसे मुक्त करता है। थैंक यू तो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। जो आपका मुहिम है, एटलीस्ट महिलाओं को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको ये मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए डीएक्सएन परिवार और हम खुद स्वयं आपके साथ में हैं। प्लीज गो अहेड, हैव अ वंडरफुल सेशन डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू।
भी आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या चीज होती है, तंदुरुस्ती क्या चीज है? पहले तो हमें ये समझना है कि तंदुरुस्त होने के लिए तंदुरुस्ती क्या चीज है। WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not just an absence of disease. स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं हो रही है, हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अभी ये वेलबींग का क्या मतलब है? वेलबींग का मतलब ये है कि हम काफ़ी कंफर्टेबल है जो भी सिचुएशन में है, हम कंफर्टेबल है, हम हैप्पी हैं, सो वी आर वेल। अभी फिजिकल वेलबींग क्या चीज़ है? फिजिकल वेलबींग का मतलब है कि वी आर इन अ कंप्लीट हार्मनी विद अवर ओन सेल्फ। हमें किसी भी तरीके का कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं हो रहा है, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है और हम काफ़ी खुश है, उसका मतलब कि हमारा फिजिकल हेल्थ ठीक है। अभी स्वास्थ्य हो, तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य है होना चाहिए, उसके पहले तुम्हारा शरीर किस चीज़ से बना है वो थोड़ा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारा शरीर एक यूनिट से बना है, जिस यूनिट को हम कहते हैं सेल। ये तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे शरीर में 3 trillions सेल्स है। ये सारे सेल्स अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनाते हैं और ये सारे अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि लंग्स, जैसे कि हार्ट, जैसे कि लिवर, जैसे कि स्टमक, और ये हर एक चीज जुड़ के सिस्टम होती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, यूसफेगस है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर तुम्हारे लंग्स है, तुम्हारे एयर पाइप, विंड पाइप है, जैसे कि तुम्हारी सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर हार्ट है, तुम्हारा हृदय है और सारा ब्लड वेसल से जहाँ से हृदय पूरे शरीर को खून भेजता है। सो जब ये तुम्हारे सेल्स यूनिट हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो तुम्हारी बॉडी भी तंदुरुस्त है, तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त है। अभी ये सेल्स तंदुरुस्त होने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसके अंदर हर एक विटामिन्स, मिनरल्स और छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे जरूरी हैं, वो मिलते हैं तो हमारा सेल हेल्दी रहता है। उसको सफिशियंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिलता है तो वो हेल्दी रहता है, उसे क्लीन वाटर मिलता है तो वो हेल्दी रहता है, और इसमें से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो गई, ठीक नहीं है, तो तुम्हारे सेल्स हेल्दी नहीं रहते हैं और वो बाद में अनहेल्दी हो जाते हैं और यू डेवलप डिसऑर्डर और डिजीज। नाउ हाउ डज द बॉडी गेट डिजीज? ये डिजीज आपको किस तरह से होता है या आपका स्वास्थ्य किस तरह से बिगड़ता है? सबसे पहले तो टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, ये तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे शरीर में दाखिल होते हैं। किस तरह से? 4 different माध्यम से। एक तो खान, फूड के माध्यम से, एयर के माध्यम से, हवा के, पानी और तुम्हारे स्किन से, तुम्हारी चमड़ी से। और ये क्या करते हैं? ये सारे टॉक्सिन जब तुम्हारे बॉडी में गए तो वो तुम्हारा एसिड अल्कलाइन बैलेंस डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाया, यानी बहुत ज़्यादा शुगर लिया विच इज़ एसिडिक, मिल्क प्रोडक्ट्स विच इज़ एसिडिक, तो ये ज़्यादा प्रमाण में लेने से, ज़्यादा मात्रा में लेने से तुम्हारा खून एसिडिक होता है। जो नॉर्मल pH 7.4 मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। और जब ये खून एसिडिक होता है तब वो उतनी आसानी से प्रवाह नहीं करता जितना के अदरवाइज pH 7.4 होने के वक्त होता है। और जब ये खून अच्छी तरह से तुम्हारी नसों में नहीं आगे बढ़ सकता है तो वो तुम्हारे ऑर्गन्स में खून अच्छी तरह से नहीं पहुंचा सकता है और फिर तुम्हारे ऑर्गन्स धीमे धीमे धीरे धीरे डिजीज हो जाते हैं। उसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। आपका खाना ठीक नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, तो आपका वजन बढ़ता है। और जब आपका वजन बढ़ता है, आपके अंदर फैट टिश्यू बढ़ते हैं, तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस अलग अलग तरीके से होते हैं, स्पेशली महिलाओं में।
बहुत यंग एज के अंदर ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और महिलाओं के सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है और इसी वजह से आपका स्वास्थ्य में काफी फर्क पड़ सकता है। स्लीप डिप्राइवेशन या एक्सेसिव स्लीप, आपने नींद भी कम ली तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपके काफी सारे कॉर्टिकोस्टेरॉन्स बढ़ सकते हैं और आपको उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी तरह मैंने पहले ही बताया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर बॉडी गेट्स डिजीज्ड। ये आप देखें, स्ट्रेस है, पानी में कितना कंटेमिनेशन होता है आपको पता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पानी देखें तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करके पिए। फूड में कंटेमिनेशन हो सकता है और ये कंटेमिनेटेड फूड के अंदर जो पॉइजन है वो आपके शरीर में जा सकता है। हवा में कितना पॉइजन है, ये हवा में पॉइजन जो है वो भी आप जब भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें ये सारे पॉइजन्स अंदर जा सकते हैं। ये देखो इनकी, देयर इज एब्सोल्युटली नो अटेम्प्ट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो इस तरह से आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और इस तरह से आपका जंक फूड खाना है तो वो भी आपकी बॉडी को बिल्कुल अस्वस्थ कर देता है। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर करता है। अभी ये सारा टॉक्सिन्स तुम्हारे बॉडी में जब जाते हैं और तुम धीरे धीरे तुम्हारे स्वास्थ्य कम होता जाता है या यू गो टुवर्ड्स अ डिजीज, उस वक्त ये डिएक्सिन जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें स्पेशली कैनोडर्मा वो क्या काम करता है, हाउ डज इट हेल्प यू गेटिंग आउट ऑफ दीज टॉक्सिन्स। ये कैनोडर्मा जो है फूड प्रोडक्ट्स है वो क्या करता है, एट द सेल्यूलर लेवल, हमने पहले ही बताया कि हर एक बॉडी का एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं सेल, और ये गैनोडर्मा तुम्हारे शरीर में जाके वो सेल लेवल पर काम करता है। इट गोज टू योर सेल और वहाँ से तुम्हारे सेल में जो हमने अभी पहले बताए वो जारे टॉक्सिन्स या पॉइजन्स जो दाखिल हुए हैं उनको वो निकालता है, बाहर निकालता है। वो आपको एसिड अल्कलाइन बैलेंस जो मैंने बताया वो करेक्ट करता है और सेल्स के लिए जो सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हेल्दी सेल के लिए, वो सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी करता है, रिप्लेनिश करता है। वो सेल को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो उसको, वो उसका ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव करता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन में मदद करता है और इस तरह से वो तुम्हारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और क्या करता है गैनोडर्मा, वो जो सिक सेल्स है, जो अनहेल्दी सेल्स है या बीमार सेल्स है वहाँ जाके उसको नॉर्मलाइज करता है, उसकी जो भी समस्या है वो सेल की वो दूर करता है। और इन टर्न जब सेल ठीक हो गए तो सेल से बने हुए टिश्यूज भी ठीक हो जाते हैं और वो टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन्स भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि शायद तुम्हें गैस्ट्राइटिस है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है या अल्सर है और आपने गैनोडर्मा लिया, तो सबसे पहले वो जगह पर जाएगा, वो सेल के वहाँ जाके करेक्ट करेगा जो सेल की वजह से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वो सेल ठीक हो जाने की वजह से एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपके सेल लाइनिंग, गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर जो अल्सर हो रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। सो इस तरह से इट वर्क्स, सेल्यूलर लेवल पर जाके काम करता है और फिर बाद में टिश्यूज, बाद में ऑर्गन्स और अल्टीमेटली सिस्टम को ठीक करता है और अल्टीमेटली पूरी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे शरीर को ठीक करता है, सिम्टम्स फ्री करता है। सो तुम्हारा जो भी सिम्टम्स है या जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होती है और फाइनली जो भी डिजीज है, जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। अभी मैं आपको इन नटशेल बता दूं कि गैनोडर्मा के बारे में, कि जो गैनोडर्मा जो किंग ऑफ हर्ब्स है, जो फूड है, मेडिसिन नहीं है, वो आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। इट प्रोवाइड्स यू मोर एनर्जी एंड विगर, इट बूस्ट योर स्टेमिना,
इट रिजुविनेट्स, इट मेक्स योर स्किन क्लियर, वो ऑक्सीजनेशन करता है आपके बॉडी का, से नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है आपका, आप काफ़ी अलर्ट हो जाते हो, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को हीलिंग कैपेसिटी देता है, जैसे कि कोई डैमेज हो गया तो इमीडिएटली सारे सेल्स वहाँ पर जाके डैमेज बॉडी को करेक्ट करते हैं, जो भी समस्या है उसको दूर करते हैं। इट सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ स्लीप और इट सपोर्ट द सर्कुलेशन, और ये सारी चीज़ों से अल्टीमेटली तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होता है। अभी हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में सारी बात की कि जहाँ तुम्हारे टिश्यूज ठीक नहीं है, ऑर्गन्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सिस्टम ठीक नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या आपको यूरिन इन्फेक्शन है, या आपकी किडनी सही नहीं है, वो तो सारा गैनोडर्मा ठीक करता ही करता है, लेकिन वो अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक करता है। अभी ये मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है? मेंटल हेल्थ इज द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। अभी इसका क्या मायना है? मेंटल हेल्थ, गैनोडर्मा हैज एन एबिलिटी टू प्रोफाउंडली रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। आपकी जो परेशानी है, मेंटल परेशानी है और एक दिमागी परेशानी है, परेशानियां है, उसको गैनोडर्मा ठीक करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को, आपके दिमाग को काम करता है, शांत करता है, और आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। और गैनोडर्मा ये मेंटल हेल्थ में किस तरह से आपको हेल्प करता है? इट वॉज एन एंटी डिप्रेसेंट, और अभी तो ये फिलहाल जो पैंडेमिक चल रहा है उसके अंदर तो लोगों को काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एनजाइटी हो गई है, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू स्टेइंग एट होम, दे आर नॉट यूज टू इन दिस काइंड ऑफ अ क्लोज्ड कंडीशन, दे आर वेरी मच फोबिक, और उससे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, काफ़ी लोगों को एनजाइटी हो रही है, और ये सारे डिप्रेशन और स्ट्रेस इंड्यूस एनजाइटी गैनोडर्मा कम करता है। वो इम्प्रूव योर मेमोरी, सो स्पेशली जो अल्जाइमर में है, अल्जाइमर का डिजीज़ होता है ओल्ड एज में, जैसे कि आपकी मेमोरी कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द न्यूरोनल सेल डैमेज और बिकॉज ऑफ द एजिंग ऑफ द न्यूरोनल सेल्स, उसको गैनोडर्मा ठीक करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी कन्वल्सेंट, इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में जो तुम्हारे मसल जो स्पास्टिक होते हैं, वो स्पाजम है उसको थोड़ा ठीक करता है, उसकी वजह से जो पेन और प्रॉब्लम्स हैं और आपके गेट के अंदर चलने में या रेगुलर जो आपकी काम करने में प्रॉब्लम होता है, वो सबको दूर करता है। और ये है कि गैनोडर्मा तो फूड है, खाना है, ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब भी मैं प्रेग्नेंट पेशेंट को या डिलीवर्ड पेशेंट को या ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को मैं गैनोडर्मा की कोई भी प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इनसे उसके बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट होएगा या मदर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि 100% दिस फूड इज नॉट हार्मफुल टू द मदर, नॉट हार्मफुल टू द फीटस, और नॉट हार्मफुल, इट विल नॉट हार्म द ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि दूसरे मेडिसिन है, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स तो हर हाल में होते हैं, एंड दीज मेडिसिन के अंदर भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो बनाने में जो एंजाइम्स या जो भी सॉल्ट यूज किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो टॉक्सिक एंड दे ऑल्सो नीड टू कम आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन डीएक्सिन के बारे में हमें ये नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि दे आर नॉट साइटोटॉक्सिक। उसका मतलब क्या है कि दे विल नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन योर सेल। अभी दूसरा क्या है? सोशल हेल्थ। आदमी कितना ही ठीक क्यों ना हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फिर भी उसे सोसाइटी में तो रहना ही है, उसका सोशल हेल्थ तो ठीक होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं हो सकता है कि वो एंटी सोशल है और वो और नहीं तो सोसाइटी में उसको कहीं एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है और वो सोसाइटी में ठीक से रिलेशन नहीं रख पा रहा है। ऐसा होएगा तो उसका सोशल हेल्थ में काफ़ी बदलाव आएगा और काफ़ी दिक्कत होएगी। इसीलिए सोशल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। सोशल हेल्थ इन्वॉल्व्स योर
एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी आप दूसरे लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिलेशन रखते हैं, और आप सोसाइटी में कैसे मेंटेन करते हैं, एंड हाउ द पीपल फाइंड यू इन सोसाइटी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तुम्हारी जिंदगी का. और एज एन एग्जाम्पल, सोशल हेल्थ इज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन एज आई सेड के पर्सन हैज विद द कम्युनिटी. अभी डीएक्सएन का सोशल हेल्थ में क्या रोल है? क्रिएटिंग अ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू डीएक्सएन प्रोडक्ट इज द एक्सलेंट वे ऑफ बिल्डिंग अप योर सोशल रिलेशनशिप. जैसे कि मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, जैसे ही डीएक्सएन गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू गो इन टू अ सोसाइटी, डेवलप अ गुड रिलेशन विद अदर्स एंड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल हेल्थ, इट इज बहुत ही अच्छा माध्यम है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपका सोशल हेल्थ बिल्डअप करने के लिए. आप लोगों से डीएक्सएन के बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको डीएक्सएन के बारे में बता सकते हैं, उसके फायदे बता सकते हैं, उनको फाइनेंस के बारे में क्या प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं. सो डीएक्सएन इज वन ऑफ द वेरी गुड, आई फाउंड इट, इट वॉज लाइक अ कम्प्लीट काइंड ऑफ यू नो, मैं क्या कर सकती हूँ, इट इज समथिंग मोर देन मेडिसिन, समथिंग मोर देन दैट, समथिंग मोर देन फूड, विच टेक्स केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ. इट टेक्स केयर तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, और हम आगे जाके देखेंगे कि वो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ भी कैसे इम्प्रूव करता है. सो डीएक्सएन हेल्प्स यू इन योर इम्प्रूविंग योर सोशल हेल्थ. अभी आपको फाइनेंशियल हेल्थ भी इतना ही होना ज़रूरी है, आप ठीक हैं, आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, आप सोसाइटी में काफ़ी अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला होना है. और आप इतने हेल्दी नहीं रह सकते जितने कि आप सोचें, आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं. So financial health is a term used to describe the state of one's personal monetary affair. Or okay, financial freedom brings you to enjoy healthy and happy life. Aapka financial freedom hai, to aap apna har health achhi tarah se enjoy kar sakte hain. Physical, mental, social. And aapko to pata hi hai ki DXN is one of the top multi-marketing company. Multi-level marketing company, which gives a financial freedom, provided one works hard and perseverant in his work. आपने hard work किया और आपने आप perseverance है, आप continuous काम करते हैं, तो आपको DXN company में काफी financial freedom मिल सकता है. और उसके बारे में I think whatever I say will be less. Be spiritual health. Spiritual health क्या चीज होती है? When you are in a good spiritual health, you connect to God very well. आप God से अच्छी तरह से connect हो सकते हैं, आप अपने आप से अच्छी तरह से connect हो सकते हैं, और आप अपने आजू बाजू के लोगों के साथ अच्छी तरह से connect हो सकते हैं. आपका spiritual या रूहानी health, मुझे पता नहीं इसको हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ इज योर रूहानी हेल्थ. इट इज समथिंग टू डू विद इन योरसेल्फ, समथिंग टू डू विद यू एंड गॉड. यू हैव अ डीपर सेंस ऑफ इनर पीस. और जब आपका स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होता है, तब अपने आप से मुतमईन होते हो और एक हैव अ सेंस ऑफ इनर पीस, आप इतने डिस्टर्ब नहीं रहते हो. ये स्पिरिचुअल वेलबींग, मैंने पहले ही कहा कि एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपके यहाँ आने का और यहाँ रहने का क्या उद्देश्य है. एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग योर सेल्फ विथ नेचर, विथ गॉड एंड विथ अदर पीपल. हाउ डज ज्ञान धर्मा हेल्प इन स्पिरिचुअल हेल्थ? आपको लगता है कि मैं ये बारे में आपसे क्यों बात कर रही हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ, ऋषि ज्ञानोधर्मा इज द मोस्ट वेल स्टडीड हर्बल मेडिसिन
ऑन द प्लैनेट, सबसे ज्यादा जिसका रिसर्च हुआ है वो प्लांट कौन सा है? ऋषि गैनोडर्मा है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट हर्ब. सीक्रेट हर्ब का मतलब क्या है कि वो सबसे ज्यादा पवित्र है. इट इज ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी विच गिव्स डीप रिलैक्सेशन, जिसके बारे में हमने पहले देखा. इन चाइनीज उनको शेन टॉनिक कहते हैं. उसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी को तो नरिश करता ही है, आपके मेंटल हेल्थ को तो ठीक करता ही है, आपके डिप्रेशन एंजाइटी को तो ठीक करता ही है, लेकिन आपके स्पिरिट को भी, आपके रूह को भी नरिश करता है. हिंस ऑल द मॉन्क्स, पहले जो भी थे बुद्धिस्ट, वो सब लोग ऋषि गैनोडर्मा यूज करते थे और अपने खाने में उनका मैक्सिमम पोर्शन ऋषि होता था. These are, I can say, the natural habitat of Ganoderma. Ganoderma is a natural solution for today's health. I'm sure कि अभी आपको ये तो समझ में आ गया होएगा कि Ganoderma can improve your physical health, your mental health, your spiritual health, your financial health, your social health, and ultimately your total health. अभी गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा इट इज द किंग ऑफ हर्ब्स, आपको पता ही है. वो क्या करता है? इट मेंटेन्स योर गुड ब्लड सर्कुलेशन, इट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आप कोई भी तरीके के कीटाणु, वो बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, जो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके सामने अच्छी तरह से लड़ सकता है. It improves your oxygenation to rejuvenate your cells. आपके cells में जो oxygen की कमी है उसको दूर करता है, जिसकी वजह से आपके cells healthy होते हैं और उसमें इतनी ताकत आती है कि वो ये सारे कीटाणुओं के सामने, ये सारे toxin के सामने लड़ सके और अपने cells के अंदर जितने toxin जमा हुए हैं उसको बाहर निकाल के फेंक सके. So it helps you achieving optimum health and longevity. Now ये गैनोथेरेपी के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं. जैसे भी तुम गैनोडर्मा खाना शुरू करो, यू पास थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस, फाइव डिफरेंट स्टेजेस, और जिसको कहते हैं स्कैनिंग, क्लीनिंग, रेगुलेटिंग, बिल्डिंग एंड रीजनरेटिंग. अभी स्कैनिंग क्या होता है? एज सून एज द गैनोडर्मा इज कंज्यूम, जैसे ही तुमने गैनोडर्मा खाना शुरू किया, सबसे पहले वो क्या करता है? इट वर्क्स लाइक अ स्कैनिंग, जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करके आपको पता चलता है कि भाई ये यहाँ किडनी में स्टोन है और यहाँ तुम्हारे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, तो यहाँ एक मुश्किल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली उसी तरह से गैनोडर्मा विल स्कैन योर बॉडी, कंप्लीटली स्कैन करता है और तुम्हारे बॉडी में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहां जाके सबसे पहले वो करेक्ट करना शुरू करता है. और ये चीज को कम से कम एक महीना लगता है. ऐसे नहीं कि अपने गैनोडर्मा आज खाया और दो दिन के बाद आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक होगा या दो दिन के बाद आपका डायरिया ठीक होगा, ऐसे नहीं है. उनको स्कैन करके सही जगह पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 30 दिन लगते हैं, एक महीना लगता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कम्स टू स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन क्लीनिंग, यानी कि पॉइजन को बाहर फेंक के निकालना है, डिटॉक्सिफाई करना है, टॉक्सिन्स को निकालना है. अभी इसको कितना वक्त लगता है? 1 हफ्ते से 30 हफ्ते, यानी 1 महीने से लगा के 7 महीने इसको लगते हैं. हमने लगातार गैनोडर्मा लेते रहे हम, तो 1 महीने से लगा के 7 महीने तक जितने भी टॉक्सिन्स या पॉइजन हमारे बॉडी में हैं उसको हम निकाल पाएंगे. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस गैनोडर्मा एक्ट्स ऑन द सेल, वो सेल के ऊपर काम करता है, उसमें से जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी पॉइजन है, वो निकालता है तुम्हारे बॉडी में से. और ये टॉक्सिन कैसे तुम्हारे शरीर से बाहर निकलते हैं? इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल, इन द स्किन. इट कम्स आउट फ्रॉम द स्किन लाइक बॉइल, लाइक रैशेस, बहुत दफा म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है, एंड फ्लेगम्स यानी कॉफ. सो डिपेंडिंग अपॉन
द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, कितना टॉक्सिन्स आपके जिस्म में है, आपके शरीर में है, और कौन सा क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा विरुलेंट है कि बहुत सिंपल है, उसके हिसाब से आपको एक महीने से लगाकर 7 महीने लगते हैं आपकी शरीर को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, वो टॉक्सिन या पॉइजन से बाहर निकलने के लिए. नाउ द थर्ड स्टेज इज रेगुलेशन. उसके बाद क्या होता है, अभी सारे टॉक्सिन्स निकल जाने के बाद ये गैनोडर्मा आपके एसिड अल्कलाइन बैलेंस को सही करता है, हार्मोनल बैलेंस को सही करता है. ये टॉक्सिन्स की वजह से जो आपके शरीर के अंदर, आपके खून के अंदर जो एसिडिटी बढ़ गई है, वो टॉक्सिन्स निकल जाने के बाद आपके एसिड अल्कलाइन बैलेंस सही हो जाता है. तो हर एक ऑर्गन को खून मिलने, अच्छी सही तरीके से खून मिलने लगता है, और उनको खून मिलने की वजह से उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों भी हर ऑर्गन को सही तरह से मिलने की वजह से आपके ऑर्गन सही तरह से फंक्शन करने शुरू हो जाते हैं. जहाँ भी प्रॉब्लम है, योर किडनी स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, योर स्टमक स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, योर हार्ट स्टार्ट पंपिंग वेल, और आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, योर ओवरीज गेट गुड अमाउंट ऑफ ब्लड, और ओवरीज को अच्छा ऑक्सीजन और अच्छा ब्लड मिलने की, ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से वो ठीक से काम करने लगते हैं. आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो बैलेंस है वो करेक्ट हो जाते हैं, आपके पीरियड सही आने लगते हैं. लेकिन ये सबको कितना वक्त लगता है, 1 महीने से लगा के 12 महीने. और मैंने जैसे बताया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सारे जब टॉक्सिन्स बाहर आते हैं तो काफ़ी रिएक्शंस होते हैं. व्हेन यू आर गेटिंग ऑल द टॉक्सिन्स आउट इन द यूरिन, इन द स्टूल, इन योर स्किन, सो यू गेट बॉइल्स, रैशेस, तो ये दीज आर कॉल्ड एज अ रिएक्शन टू गैनोडर्मा, रिएक्शन टू फूड, रिएक्शन टू योर बॉडी. इट हैज नथिंग टू डू विद गैनोडर्मा. गैनोडर्मा डज नॉट मेक एनी रिएक्शन, but the reaction is happening in your body because the toxins are coming out. Jo bhi problem hai which is getting solved. Abhi iske baad, regulation ke baad kya hota hai, building and repairing, wo 6 mahine se laga ke kam se kam 2 saal lagta hai. Abhi ye stage mein kya hota hai ki abhi sare toxins bahar nikal gaye, tumhara blood theek ho gaya, हर एक ऑर्गन को अच्छी तरह से अभी ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जो भी सेल्स पहले डैमेज हुए थे वो सारे रिपेयर होके अभी नॉर्मल हो रहे, अभी क्योंकि उनको अभी खून ठीक से मिल रहा है, उनको ऑक्सीजन ठीक से मिल रहा है, और तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और आपका बॉडी फंक्शंस धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं. जैसे कि काफ़ी लोगों को किडनी फंक्शंस में प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, और वो ठीक तरह से लिवर काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी रिकवरी होती है जिसको 6 महीने से लगा के 2 साल लगते हैं. और रिजुविनेशन इज द लास्ट साइकिल विच टेक्स ऑलमोस्ट 1 year to 3 years. और ये रिजुविनेशन में क्या होता है कि आपके सेल्स अभी तो नॉर्मल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया है, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल गए, आपका सर्कुलेशन ठीक हो गया, आपका ऑक्सीजनेशन ठीक हो गया, उसके बाद आपके हर एक सेल में जो भी डैमेज सेल थे वो ठीक हो गए, उसके बाद द गैनोडर्मा विल प्रिवेंट द एजिंग ऑफ द सेल. यानी जो सेल बूढ़े हो रहे हैं या एज्ड हो रहे हैं वो एजिंग को प्रिवेंट करता है. योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, एंड ये है कंटिन्यूस प्रोसेस. आप 1 साल से 3 साल तक लेते रहें तो आपकी बॉडी में धीरे 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 ये फिफ्थ स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद रिजुविनेशन होएगा, और योर बॉडी विल गेन द यूथफुलनेस, यू विल स्टार्ट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ स्टेमिना, विगर, आप यंग दिखने लगेंगे, और आपको काफ़ी सारी एनर्जी डेवलप होने लगेगी. And aging will be delayed. And this is exactly the reason why Chinese emperor उन्होंने ये सारे गैनोडर्मा अपने अपने फार्म में छुपा के रखे थे, और उनको ऐसे लगता था कि सिर्फ हम ही लंबा जिए और हमारी स्किन ही ब्यूटिफुल हो और हम बिल्कुल एजड नहीं दिखे, तो उन्होंने ये सारा अपने पास रखा था. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उनका जो भी सीक्रेट था वो बाहर निकल गया. द साइंटिस्ट
एंड फार्मासिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द गैनोडर्मा. उनको पता चला कि ये हैव वंडरफुल फंक्शंस, सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, और इसको हम अच्छी तरह से यूज़ करें, उसको फूड की तरह से यूज़ करें तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं. सो दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट दे फाउंड द चाइनीज पीपल, दैट द रिजुविनेशन हैपन्स इफ यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग इट फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड, एज लॉन्ग एज ऑलमोस्ट 3 years. अभी हमने पहली दफ़ा गैनोडर्मा शुरू करना है तो हम कैसे शुरू करेंगे? हाउ डू वी स्टार्ट कंज्यूमिंग गैनोडर्मा? फर्स्ट वीक में, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, दो तरीके से गैनोडर्मा मिलता है, एक तो कैप्सूल मिलती है और तो पाउडर मिलता है. कैप्सूल के अंदर दो तरीके की कैप्सूल होती है, गैनो आरजी और गैनो जीएल. तो पहले हफ्ते सिर्फ जीएल लेना है. ये इसलिए धीरे धीरे लेना है कि इससे आपको जो भी रिएक्शन हो या जो भी डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी में हो रहा है वो धीरे धीरे है और आपको परेशानी नहीं है, नहीं होवे उसकी वजह से. लेकिन बाय एंड लार्ज गैनोडर्मा इज नॉट एलर्जिक, इट विल नॉट गिव यू एनी रिएक्शन. सो फर्स्ट वीक में सिर्फ गैनो जीएल एक लेनी है एक हफ्ते तक सुबह नाश्ते के पहले. सेकेंड वीक में दो गैनो जीएल लेनी है सुबह में. थर्ड वीक में एक आरजी गैनो आरजी कैप्सूल और उसके साथ दो गैनो जीएल कैप्सूल. फोर्थ वीक में दोनों भी दो दो लेना है. फिफ्थ वीक में दोनों भी तीन तीन लेना है, तीन तीन कैप्सूल्स. सिक्स्थ वीक में दोनों भी चार चार कैप्सूल लेने हैं, और सेवन्थ वीक में बढ़ा के पाँच पाँच करने हैं, एट्थ वीक में छः छः करने हैं. अभी मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ स्टॉप करना है. गैनो ऋषि पाउडर का कंजम्पशन किस तरह से करते हैं, इफ आपके पास कैप्सूल नहीं है और आप ऋषि ले रहे हैं तो फर्स्ट वीक में 1/4 टीस्पून सिर्फ लेना है सुबह नाश्ते के पहले प्रेफरेबली. और आप सुबह में भूल गए नहीं ले सकते हैं तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली लेना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड वीक में 1/2 टीस्पून पूरा हफ्ता. थर्ड तीसरे हफ्ते में 3/4 टीस्पून. चौथे हफ्ते में 1 टीस्पून. पांचवे हफ्ते में सुबह 1 टीस्पून, शाम को 1 टीस्पून. सिक्स वीक में 2 टीस्पून सुबह में, 2 शाम में. सेवेंथ वीक में 3 टीस्पून मॉर्निंग, 3 इवनिंग. एट वीक में 3 टीस्पून अगेन इन द मॉर्निंग एंड 3 टीस्पून इन द इवनिंग. अभी ये तो मैंने बताया कि पहले दिन से शुरू करना है और कैसे कैसे बढ़ाना है. अभी हेल्दी इंसान जो है उसको किस तरह से गैनोडर्मा लेना है? जैसे मैंने बताया एज पर द प्रीवियस चार्ट, पहले हफ्ते से लगा के 4 हफ्ते तक उसने कंटिन्यू करना है एज पर द फोर्थ वीक कंजम्पशन डोज. यानी कि फोर्थ वीक में 1 टीस्पून रोज लेना है. या तो गैनो ले रहा है तो 2 कैप्सूल आरजी और 2 कैप्सूल जीएल. अभी और उसको इसी तरह से मेंटेन करना है प्रोवाइडेड ही इज हेल्दी और उसको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. एंड इफ ही कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 12 मंथ्स, 12 महीने तक इसी तरह वो इंसान लेता रहा तो उसको काफ़ी उसके हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होएगी. एंड ही विल बी जो प्री इलनेस की स्टेज है उसे ही विल बी बैक टू नॉर्मल स्टेज एंड ही कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाय कंटिन्यूइंग दिस गैनोडर्मा एवरी सिंगल डे. एंड द फर्दर कंटिन्यूएशन कंजम्पशन विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द हेल्थ, इट विल प्रोटेक्ट हिज हेल्थ एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम फर्दर डिसऑर्डर. अभी जो गैनोथेरेपी है सिक है जिसको माइनर इलनेस है या मेजर इलनेस है उन लोगों को किस तरह से लेना है? एनीवन हु सफरिंग फ्रॉम माइनर और मेजर इलनेस शुड कंटिन्यू गैनोडर्मा एज पर 1st to 8th week. यानी मैंने जो बताया है कि 8th week एंड सी हाउ वन फील्स एंड कंटिन्यू द 8th week. यानी 8th week में जो आपको कोई इलनेस से आपको डिसऑर्डर है तो यहाँ तक 8 वीक तक आपको पहुँचना है और 3 टीस्पून सुबह 3 टीस्पून शाम को लेना है, नहीं तो 6 कैप्सूल गैनो की और 6 कैप्सूल गैनो आरजी और 6 कैप्सूल गैनो जीएल लेनी है. और उसके बाद
देखना है आपको कैसे फील होता है, और ये कंटिन्यू करना है जब तक कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होता है या सही नहीं होता है। और उसके बाद में भी शायद उसको 1 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, इट डिपेंड्स कि आपको कितना प्रॉब्लम है और कैसा प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सही हो जावे तो उसके बाद आप उसको कम करके जो 4th वीक में आपका जो मेंटेनेंस डोज था वो धीरे धीरे कम करके 4th वीक में जो डोज था वो चालू रखें और उसी डोज को मेंटेन करें और कम से कम 3 साल तक, जैसे मैंने पहले बताया, वैसे लेते रहें। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ काफ़ी क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है या एसिडिटी है, और वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो काफ़ी दिनों ये मेडिसिन खाई है उससे तो, और ये दवाइयाँ दी, और पता नहीं उनको लगता है कि ये मेडिसिन है या दवाई है, कितनी दफ़ा उनको कहा कि नहीं ये मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, लेकिन एनीवे वो उनका कहना ये होता है कि हमने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए लेकिन हमको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पहले ही क्वेश्चन में पूछूंगी कि आपने कितना ये खाया, कितना ले रहे हैं आप और कितना वक्त से ले रहे हैं। इफ़ दे आर, हर वक्त ऐसा ही होता है कि हफ्ते में 2 दिन लिया, 4 दिन नहीं लिया, और लिया तो 1 टैबलेट ली या 2 टैबलेट ली, इस तरह से नहीं होता है। यू हैव टू टेक अ करेक्ट डोज एंड फॉर अ करेक्ट पीरियड टू गेट द ऑप्टिमम इफेक्ट। अभी जिनको बहुत ज़्यादा इलनेस है, सीवियर सिकनेस है, मे बी आई कैन से दैट दे आर इन द फेलियर, द लिवर फेलियर और किडनी फेलियर, और दे हैव आई कैन से द कैंसर, ये सारे लोगों को सीवियर सिकनेस से दे शुड स्टार्ट, जैसे शुरू तो वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया, 8 वीक तक तो इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ाना है जैसे मैंने बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा सिकनेस है तो वो 8 वीक के बाद बढ़ा के 9 कैप्सूल्स ऑफ RG एंड 9 कैप्सूल ऑफ GL सुबह शाम ले सकते हैं, दे कैन इंक्रीज टू दैट लेवल। और ऋषि पाउडर है तो 4 टीस्पून ऑफ ऋषि पाउडर सुबह और 4 शाम। हमने पहले क्या देखा है कि देखो सिर्फ यहाँ पर 8 वीक में 3 टीस्पून सुबह और 3 शाम ले रहे हैं, दिस इज फॉर द मेजर और माइनर इलनेस, लेकिन जिनको सीवियर इलनेस है उनको ये बढ़ा के 4 टीस्पून करना है। और शायद गैनो और RG और GL ले रहे हैं तो 6 से बढ़ा के 9 करना है, 9 टैबलेट्स ऑफ गैनो एंड 9 टैबलेट्स ऑफ GL सुबह और शाम। और ये काफी कंटिन्यू करना है जब तक कि उनका जो भी सीवियर डिसऑर्डर है वो अंडर कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल में आने के बाद धीरे धीरे कम करके बैक टू द 4th वीक कंजम्पशन जो भी डोज है वो लेना है एंड कंटिन्यू करना है 3 साल के लिए। नाउ गैनोथेरेपी फॉर माइनर, मेजर एंड सीवियर इलनेस, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटिन्यू टेकिंग द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। आप जब भी सीवियर इलनेस है या मेजर इलनेस है या माइनर इलनेस है, आप जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है वो आप कंटिन्यू करें, और उसके साथ साथ गैनोडर्मा शुरू करें, और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया है वैसे बढ़ाते रहें। और आप, बिकॉज गैनोडर्मा आपके कोई भी मेडिकेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, उसके बाद आपके डॉक्टर्स की जो विजिट्स है रेगुलरली वो भी चालू रखें, फॉलोअप भी बिल्कुल चालू रखें, और जैसे जैसे वो डॉक्टर बताएं वैसे वैसे आपके मेडिसिन की डोज जैसे डॉक्टर बताए वैसे कम करें। क्योंकि एक दफ़ा आपके इलनेस सही होने लगेगा तो आपको ये मेडिसिन के इतने डोजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर है और आप ब्लड प्रेशर की वजह से आप डॉक्टर के पास से दवाइयाँ ले रहे हैं और आपने गैनोडर्मा शुरू किया, तो गैनोडर्मा धीरे धीरे जैसे मैंने बताया है वैसे बढ़ाते रहें, खाते रहें, और जैसे ही आपके ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाए, रेगुलर चेकअप के लिए जाए, फॉलोअप के लिए जाए, और धीरे धीरे आपके मेडिसिन जैसे डॉक्टर बताएं उस तरह से कम करें। लेकिन ही इज द वन, द डॉक्टर इज द वन हु विल रिड्यूस योर मेडिसिन एंड ही इज नॉट द वन हु विल इंटरफेयर विद द गैनोडर्मा। गैनोडर्मा अपने आप से लेते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। और जब आपकी मेडिसिन बंद हो गई उसके बाद भी आपको गैनोडर्मा तो लेते ही रहना है, लेकिन आपके रेगुलर चेकअप चालू रखना है। आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, और शायद किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर आपको वापस डॉक्टर से मिलना है।
बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप गैनोडर्मा खाए भी रहे हैं लेकिन फिर भी आपका फूड सही नहीं है, आपने बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाया या बहुत ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आपके बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो गैनोडर्मा लेने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इन दैट सिचुएशन यू माइट नीड टू एड योर मेडिसिन और यू माइट नीड टू इंक्रीज योर गैनोडर्मा डोज। सो उसके लिए आप तैयार रहें। सो अल्टीमेट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कैसे होता है, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि बाय एंड लार्ज देर विल बी अ गुड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ इफ यू कंटिन्यूसली कंज्यूम गैनोडर्मा फॉर मोर देन 12 मंथ्स। दिस इज अ मस्ट। एक तो आपको कंटिन्यूसली लेना है और आपको लंबे अरसे तक लेना है, ये दो चीज, और प्रॉपर डोज लेना है। ऐसे नहीं कि आपने वो मिनी पिल खाई जैसे कि मिनी डोज लिया, ऐसे नहीं है। प्रॉपर डोज जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपने लिया, कंटिन्यूसली लिया, बीच में एक भी गैप नहीं किया और 12 महीने तक लिया। सो यू विल हैव अ वेरी गुड हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड यू विल कंटिन्यू enjoying a good health. So this is how you prevent the any kinds of disorder to yourself, provided you take a right dose, जैसे मैंने बताया है, right duration, कम से कम 1 साल, और along with the ganoderma, the right supplements. Right supplements में दूसरे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मोराइंजी, कॉर्डिसेप्स, स्पाइरोलिना और लैंसमैन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जैसे आपको आपके डीएक्सएन मेंबर्स बताएंगे कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम के लिए आप गैनोरमा के साथ साथ दूसरे कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मेरे मेरे साथ तो हर वक्त ऐसे होता है कि सारे प्रेग्नेंट पेशेंट, डिलीवर्ड पेशेंट, ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट, उन सबको गैनोडर्मा के साथ साथ स्पायरोलिना की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पायरोलिना इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड, वेरी इजीली बायो अवेलेबल, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उनका ऑक्सीजन बढ़ता है, उनका ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसी तरह से डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम गैनो के साथ आप बाकी के सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या लेना चाहिए। जैसे कि आपको न्यूरोनल डिसऑर्डर है, मायल्जिया है, या आपको सेरेब्रल पाल्सी या ये है, तो आप लैंसमैन ले सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर योर न्यूरोनल हेल्थ, और सॉरी कॉर्डिसेप्स ले सकते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर योर न्यूरोनल हेल्थ, स्पेशली वर्टाइगो, और आप दैट नोनी जूसेस, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज अल्कलाइन, इट मेक्स योर बॉडी अल्कलाइन। तो वो आप नोनी जूस गैनो और स्पायरोलिना के साथ एवरी सिंगल डे ले सकते हैं। और लैंसमैन इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्ट, तो जो भी लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो सारे लोग गैनोडर्मा के साथ लैंसमैन ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नो वी प्रोटेक्ट अवर हेल्थ एंड वी प्रिवेंट अवर सेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। हम ये सारे डिजीज से, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और हमारा हेल्थ हम बरकरार रख सकते हैं डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट्स हमने राइट डोज में लिए, राइट ड्यूरेशन में लिए और राइट सप्लीमेंट्स के साथ लिए। थैंक यू।